हेलो फ्रेंड्स, एलजी आर स्टडी के ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी जान रहे हैं कि इस वीडियो सीरीज में हम लोग इंटरमीडिएट बोर्ड एग्जाम के बेहतर तैयारी के लिए केमिस्ट्री के महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का चैप्टर वाइज तैयारी करते हैं। आपको बता दें कि आज यह इस वीडियो सीरीज का 8 नंबर वीडियो है। केमिस्ट्री के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए 7 वीडियो ऑलरेडी हम अपलोड कर चुके हैं, तो जो लोग अभी तक इस 7 वीडियो को नहीं देखे हैं वो आप इस चैनल के प्ले लिस्ट में जाकर के इस 7 वीडियो को जरूर देख लीजिए, क्योंकि आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है और आपके लिए ही बनाया गया इतना मेहनत करके। चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। आज के क्लास में दोस्तों आपको बता दें कि आपका जो है 4था चैप्टर जो है केमिस्ट्री का, जिसका नाम है रासायनिक बल गतिकी, दैट मींस केमिकल काइनेटिक्स। इस चैप्टर के हमने 20 क्वेश्चन को पिछले क्लास में डिस्कशन किया था, तो आज हमारा क्लास 21 नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट होगा। जो लोग अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं लाइक कर लीजिए और ध्यान से क्वेश्चन को ध्यान से देखने की कोशिश कीजिए, क्योंकि देखिए सीखने का जो सिस्टम है 3 सिस्टम होता है। एक तो सिस्टम है पढ़कर, दूसरा सिस्टम है सुनकर और तीसरा सिस्टम है देखकर। तीसरा सिस्टम क्या है? देखकर। तो आप यहाँ पर पता होना चाहिए कि सबसे अधिक आप देख करके सीखते हैं। जैसे कोई फिल्म देखते हैं तो बहुत जल्द याद हो जाता है। सुनने जो सुनते आप अपने टीचर का लेक्चर जो सुनते हैं वो इससे कम आप याद रख पाते हैं। सबसे कम आप क्या याद रख पाते हैं? जो पढ़ते हैं। आज आप 5 पेज पढ़ लीजिए कल याद नहीं रहेगा, बट आपको देखने वाला चीज़ सबसे अधिक याद रहता है। तो यहाँ पर आप तो सुन भी रहे हैं और देख भी रहे हैं, दोनों काम कर रहे हैं, तो बहुत ही आप अच्छा काम यहाँ पर कर रहे हैं। तो जितना ध्यान से देखिएगा फ़ायदा आपको ही मिलने वाला है। वीडियो को लाइक कर लीजिए और पूरे क्वेश्चन को जरूर जो है देखने की कोशिश कीजिए। इसका PDF कहाँ से डाउनलोड करना है आगे हम चर्चा करेंगे। 21 नंबर क्वेश्चन है, पूछ रही है कि निम्नलिखित में कौन प्रथम कोटि की अभिक्रिया के अर्ध जीवन काल को प्रभावित नहीं करता है। कौन ऐसा चीज है जो क्या करती है कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया के अर्ध जीवन काल को प्रभावित नहीं करता है? तो 21 का जो राइट आंसर होगा वो ए होगा, यानी कि देख सकते हैं कि प्रारंभिक सांद्रता जो है वो किसी भी प्रथम कोटि की अभिक्रिया के अर्ध जीवन काल को प्रभावित नहीं करता है, इफेक्ट नहीं करता है। नेक्स्ट जो यहाँ पर आपका 22 नंबर महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, पूछ रहे कि गति स्थिरांक की इकाई निर्भर करता है। गति स्थिरांक जो होता है उसका इकाई जो है वो किस चीज़ों पर निर्भर करता है? तो 22 का जो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन है सही होगा। आप देख सकते हैं कि अभिक्रिया की कोटि पर निर्भर करता है। नेक्स्ट जो यहाँ पर आपका 23 नंबर महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, पूछ रही है कि किसी शून्य कोटि की अभिक्रिया को 100% पूर्ण होने में लगा हुआ समय, किसी भी शून्य कोटि की अभिक्रिया है उसको 100% पूर्ण होने में कितना समय लगता है ये आपको बताना है। तो 23 का जो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन होगा बिल्कुल सही होगा, डैट मीन्स A/K यहाँ पर आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। जो लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं और नीचे अगर सब्सक्राइब का लाल रंग का बटन दिख रहा है तो उसको दबा करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिए, ताकि आगे आने वाला जितना भी वीडियो होगा उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सकेगा, क्योंकि इस चैनल पर आपको काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन का ही तैयारी करवाया जाता है। सभी सब्जेक्ट का इस तरह से चैप्टर वाइज तैयारी करवाया जा रहा है, आप प्ले लिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। काफ़ी मेहनत के साथ यहाँ क्लास लिया जाता है, ऐसा नहीं कि कोई बुक उठाया उसका फोटो खींच करके और आपका वीडियो बना दिया गया, इससे आपको कोई फायदा होने वाला नहीं है। यहाँ पर केवल और केवल एक्सपर्ट के द्वारा सेलेक्टेड क्वेश्चन ही आपको बताया जाता है। तो आप यहाँ पर और इस तरह का क्वालिटी क्लास आप खोजिए, यूट्यूब पर मिल जाए तो हमें बताइए। 24 नंबर क्वेश्चन है, आपसे पूछा जा रहा है कि आर्हेनियस परिकल्पना, आर्हेनियस परिकल्पना जो है, जो आर्हेनियस हाइपोथेसिस है के अनुसार अभिक्रिया का वेग बढ़ता है, अभिक्रिया का वेग बढ़ता है कब? तो 24 का जो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा वो ए होगा, डैट मीन्स आप देख सकते हैं तापक्रम बढ़ने से, तापक्रम के बढ़ने से आर्हेनियस परिकल्पना के अनुसार किसी भी अभिक्रिया का वेग क्या होता है? बढ़ता है। आप याद रखने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट जो यहाँ पर आपका 25 नंबर क्वेश्चन है, क्वेश्चन के द्वारा आपसे पूछा जा रहा है कि तापक्रम के बढ़ने से अभिक्रिया की गति बढ़ती है, क्योंकि मतलब तापक्रम जब बढ़ता है ना, जब आप ताप को बढ़ा देते हैं, टेम्परेचर को बढ़ा देते हैं, तो अभिक्रिया जो हो रही है, जो रिएक्शन हो रही है, उसका जो गति है, डैट मीन्स मोशन है, वो क्या होती है? फास्ट हो जाती है। मतलब अभिक्रिया अब क्या होने लगेगी? फास्ट हो जाएगी, तेज हो जाएगी। तो 25 का ये इसका कारण क्या है? तो 25 का आपका सही आंसर होगा सी, डैट मीन्स आप देख सकते हैं कि अधिक ऊर्जा वाले टक्कर की संख्या बढ़ती है। जब आप ताप बढ़ाते हैं तो अधिक ऊर्जा वाला टक्कर जो होता है उसका संख्या बढ़ जाती है, जिसके कारण ऐसा होता है। नेक्स्ट जो यहाँ पर आपका 26 नंबर महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, पूछ रही है कि अभिक्रिया के वेग पर ताप के प्रभाव को दर्शाता है, अभिक्रिया के वेग पर जो है ताप के प्रभाव को कौन दर्शाता है?
तो यहाँ पर 26 का जो सही आंसर होगा बी होगा। डैट मीन्स आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आरहेनियस समीकरण, आरहेनियस इक्वेशन जो है वो अभिक्रिया के वेग पर तापक्रम ताप के प्रभाव को दर्शाता है। नेक्स्ट, यहाँ जो आपका 27 नंबर महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, पूछ रहे कि यदि किसी रासायनिक अभिक्रिया के, है ना, सक्रियण ऊर्जा का मान बहुत ज्यादा है तो सामान्यतः अभिक्रिया जो है वो क्या होगी, वो सामान्यतः जो वो अभिक्रिया होगी, जो रिएक्शन होगी वो क्या होगी। तो 27 का जो सही आंसर होगा वो बी होगा। डैट मीन्स आप देख सकते हैं कि बहुत धीमी होगी, क्या होगी, बहुत धीमी होगी अगर क्या किया जाए, सक्रियण ऊर्जा का मान बहुत ज्यादा कर दिया जाए तब। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, जो 28 नंबर क्वेश्चन है, पूछ रही है कि आरहेनियस समीकरण के इक्वल टू ए इंटू ई एक्स पी इंटू माइनस, है ना, एप्सिलन ए बट्टे आर टी इंटू ए को वेग स्थिरांक कह सकते हैं, कब कह सकते हैं। तो 28 का यहाँ पर आपका बी ऑप्शन सही होगा, डेट मीन्स नियत ताप पर, जब ताप क्या हो, नियत हो, तब आप इस इक्वेशन को स्थिरांक जो है वेग स्थिरांक कह सकते हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ जाते हैं, जो 29 नंबर आपका महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, पूछ रहे कि प्रथम क्रम के, बोला गया प्रथम क्रम के प्रतिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक की इकाई होती हैं। तो 29 का जो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा, डैट मीन्स आप देख सकते हैं कि ए ऑप्शन आपका सही होगा, यानी कि प्रति समय, यानी कि जो आपका समय का पावर -1, इसको प्रति समय पढ़ते हैं। नेक्स्ट 30 नंबर महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, पूछ रही है कि आरहेनियस समीकरण में अंतःखंडन बराबर होता है, आरहेनियस समीकरण जो होता है उसमें अंतःखंडन किसके बराबर होता है। तो 30 का बी ऑप्शन आपका सही होगा, यानी कि देख सकते हैं कि आई एन इंटू ए के। नेक्स्ट जो आपका 31 नंबर महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, पूछ रहे कि किसी रेडियो सक्रिय अभिक्रिया के लिए अभिक्रिया की कोटि है। तो 31 का बी ऑप्शन आपका सही होगा, फर्स्ट यानी कि प्रथम कोटि की वो क्या होगी, अभिक्रिया होगी। नेक्स्ट जो आपका 32 नंबर क्वेश्चन है, पूछ रहे कि प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए T1/2 का मान होता है। तो यहाँ पर जो आपका 32 का जो सही आंसर होगा वो आपका हो जाएगा बी, डैट मीन्स आप देख सकते हैं कि 0.693/K। नेक्स्ट जो आपका 33 नंबर महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, पूछ रहे कि किसी वस्तु के प्रतिक्रिया, बोला गया किसी वस्तु के प्रतिक्रिया करने पर करने का दर निर्भर करता है। कोई भी वस्तु क्या कर रही है भाई, प्रतिक्रिया कर रही है, तो उसका जो दर होगा वो किस चीज़ों पर निर्भर करेगा। तो 33 का जो सही आंसर होगा डी होगा, यानी कि सक्रिय भार पर, किस पर, सक्रिय भार पर। 34 नंबर जो क्वेश्चन है, आपको बता दें कि इसका PDF आपको हमारे मोबाइल ऐप पर मिल जाएगा, जिस मोबाइल ऐप का लिंक हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए हैं। तो जो लोग अभी तक मोबाइल ऐप को डाउनलोड नहीं किए हैं, तो आप लोग जो है हमारे मोबाइल ऐप को जरूर डाउनलोड कर लीजिए, क्योंकि उस मोबाइल ऐप पर आपको इंटरमीडिएट बोर्ड एग्जाम के बेहतर तैयारी के लिए जो है सभी सब्जेक्ट का जो है महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, सब्जेक्टिव क्वेश्चन, क्विक रिवीजन नोट्स, इसके बाद आपका क्लास नोट्स, मॉडल पेपर, सभी चैप्टर वाइज जो जितने भी आपके क्वेश्चन हैं उसका PDF आपको हमारे मोबाइल ऐप पर बिल्कुल फ्री में मिल जाएगा। तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जो लोग डाउनलोड नहीं किए डाउनलोड कर लीजिए, और 5-स्टार रेटिंग जरूर दीजिएगा, क्योंकि सभी काम आपके लिए फ्री में किया जा रहा है, तो काफ़ी मेहनत लगता है, तो आप लोग 5-स्टार रेटिंग तो दे ही सकते हैं। 34 नंबर क्वेश्चन है, पूछ रहे कि शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए, किसके लिए, शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए निम्नलिखित में से कौन सा आपका जो ऑप्शन है वो सही होगा। तो 34 का ए ऑप्शन आपका बिल्कुल ही सही होगा, डैट मीन्स T1/2 डायरेक्टली प्रपोर्शनल होगा ए का। नेक्स्ट आगे बढ़ जाते हैं, जो आपका 35 नंबर क्वेश्चन है, पूछ रहे कि उत्प्रेरक एक वस्तु है, जो बोला गया कि उत्प्रेरक एक वस्तु है जो क्या करती है। ए ऑप्शन आपको दिया गया कि उत्पाद के साम्यावस्था सांद्रण को बढ़ा देता है। बी ऑप्शन आपको दिया गया कि प्रतिक्रिया के साम्यावस्था स्थिरांक को परिवर्तित कर देता है और सी ऑप्शन है कि साम्यावस्था प्राप्त करने के समय को कम कर देता है, और जो डी ऑप्शन है आपको दिया गया है कि प्रतिक्रिया में ऊर्जा प्रदान करता है। तो कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, तो यहाँ पर आपको बता दें कि जो 35 का सही आंसर होगा वो सी होगा। डैट मीन्स आप देख सकते हैं कि ये क्या करता है, तो साम्यावस्था प्राप्त करने के समय को कम कर देता है, उत्प्रेरक जो है वो कम कर देता है, और इस यही कारण है कि रिएक्शन जो है फास्ट हो जाती है, तेजी से प्रतिक्रिया हो जाती है। आज के लिए इतना ही रखते हैं, आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट के माध्यम से जरूर बताइए, और अगर अभी तक आप इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ ही अपने दोस्तों में अधिक से अधिक जो है शेयर कर दीजिए, दोस्तों को बताइए कि LGR स्टडी इंटर यूट्यूब चैनल पर इस तरह का क्वालिटी क्लास लिया जा रहा है, ताकि उन लोगों को भी फायदा मिल सके।
और अगर अभी तक आप इस वीडियो को लाइक नहीं किए तो जरूर से जरूर वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिए, ताकि अगला क्लास कोई भी जो ऐसे ही अपलोड हो तो सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक अपना ख्याल रखिए और LGR स्टडी देखते रहिए।